ट्रांसफर भी हो रहा है। हम लोगों ने अपना बलिदान दिया है, हमारे क्रिकेट में जो अच्छे खेल रहे हैं, नाम आगे बच रहे हैं। मतलब पुलिस के साथ पत्रकारों के बीच का एक पुराना इतिहास है, डीआईजी साहब ने अपनी एसपीशिप में इसको शुरू किया था, ये क्रेडिट आपको ही जाता है। और तब से हम इस मैच के माध्यम से जुड़ते हैं, जैसा एसपी साहब ने कहा कि एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर कर पाते हैं, तो आज का भी वैसा ही खूबसूरत अनुभव था। खिलाड़ी के तौर पर थोड़ा एम्बैरेसमेंट जरूर होता है जब आप हारते हो, लेकिन एक नागरिक के तौर पर इस बात की खुशी होती है कि हमारी पुलिस किसी भी मुकाबले में जीतना चाहिए और वो जीत रही है। तो एक नागरिक के तौर पर पुलिस के साथ जीत का हौसला होना चाहिए, तो इस मैच के साथ भी हमें अच्छा लगा कि हमारी पुलिस फिट है और जीत रही है। हाँ, हम बेहतर खेलेंगे और मैं जानता हूँ कम से कम पुलिस को अगले मैच में हराएंगे। थैंक यू। और आज का मैच देख के लगता है कि हम आगे फिर से ऐसे मैचेस ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, और इसी बहाने सबसे मिलना हो जाता है, इम्पोर्टेंट वे में बहुत सारी बातें शेयर होती है, अच्छा लगता है। हम लोग दोनों सरकार की पुलिस भी 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं, तो थोड़ा सा समय निकला बहुत अच्छा लगा। अगली बार सर प्रयास करेंगे और हमारे एसपीओ के साथ और डीआई टीम में रहें थोड़ा सा, और हमारे वरिष्ठ लोग भी इसमें जुड़े तो और अच्छा इंटरेस्ट मैच रहेगा। एडिशन एसपी साहब भी आज नहीं थे, तो कलेक्टर साहब भी नहीं थे, तो हमारी टीम और अगली बार थोड़ी सी अलग दिखेगी। थैंक यू आप सभी लोग, धन्यवाद। हमारे जो प्लेयर थे अतुल दीक्षित थे, एक बड़े शॉट मारे थे, संदेश ने बहुत अच्छा खेला, और एक और लड़का था मुख्य वाला आगी, इन लोगों ने पारी को संभाला और अंततः पुलिस की इस मैच में विजयी रही। हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन मज़ा बहुत आया। 15-15 ओवर का ये मैच था, बहुत जल्दी खत्म भी हो गया, और इस तरह के जो मैचेज हैं वो आगे भी होते रहने चाहिए, इससे पुलिस और पत्रकार बंधुओं के बीच एक समन्वय, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। और भी कई चीज़ें होती हैं जो कई बार पत्रकार बंधु ऑफिस में आकर नहीं बता पाते या भीड़ में नहीं बता पाते, वो यहाँ पर छोटी छोटी बातों का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कई सुझाव भी बहुत अच्छी मिलते हैं कि नहीं सर, अपने को ये और करना है, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, या कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना होने वाली होती है तो वो आप लोगों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, और हम उस पर उचित कदम समय रहते हुए उठा लेते हैं, जिससे कि वो घटना घटित नहीं हो पाती। तो आप सभी का मैच के साथ साथ जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पुलिस टीम की ओर से, पुलिस परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। जब मैं यहाँ आया था तो 80 रन बन चुके थे और 8 या 9 ओवर में पत्रकार अलग हुए, फिर ग्राउंड में जैसे ही पहुँचा तो पता नहीं क्या ऊपर से क्या हुआ कि कुछ विकेट मिल गए और आप लोगों की गाड़ी बिल्कुल ताश के पत्ते बह गए। लेकिन हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत मज़ा आया, और जितने भी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करें। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप पहली बॉल पे आउट हो सकते हो या आप पहली बॉल पूरे मैच को जिता सकते हो, तो बड़ी जो कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल गेम है, लेकिन 11 लोग खेलते हैं ग्राउंड में, एक अलग दिमाग और दिल और आपका शरीर एक जगह होता है, तो फालतू स्ट्रेस जो होते हैं पुलिस में उससे भी कुछ समय के लिए दूर रहता है। तो मेरा सभी पुलिसकर्मी जब भी मैं थानों में जाता हूँ ये जरूर बोलता हूँ कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स अडॉप्ट करें, खेलें और अपने को फिट रखें। आज के मैच में पुलिस की तरफ से जो हमारी पूरी टीम है, जितने व्यवस्था की है, हमारी पूर्णिमा की पूरी सीओएनआर टीम, रमाकांत जिन्होंने पूरे 2 दिन रात भर खड़े होकर पिच बनाई, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और सबसे ज़्यादा बधाई पुलिस कप्तान अगम जैन साहब को जो उन्होंने आज बैठ